वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 जून को लंदन के ओवल में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का 14वां मैच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 36 रन से जीत दर्ज की। इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। विराट कोहली का यह निर्णय इंडिया के लिए सही साबित हुआ और टीम इंडिया ने पहली पारी में 352 रन बनाए। टीम इंडिया के ओपनर्स ने टीम को काफी अच्छी शुरुआत दी। रोहित शर्मा और शिखर धवन ने 100 रन से अधिक की पार्टनरशिप बनाई। 20 ओवरों में इंडिया का स्कोर 111 रन था और वो भी बिना किसी नुकसान के। शिखर धवन ने 117 रन बनाए, वहीं रोहित शर्मा ने अर्धशतक बनाया। विराट कोहली ने 82 रन बनाए। खेल में हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से तूफानी पारी देखने को मिली। हार्दिक पांड्या ने 27 गेंदों में 3 छक्के और 4 चौके की मदद से 48 रन बनाए, वहीं धोनी ने 14 गेंदों में 27 रन बनाए। केएल राहुल ने अंत में 3 गेंदों में 11 रन बनाकर टीम का स्कोर 350 के पार ले गए। बात करें ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाजों की तो गेंदबाज कुछ खास फॉर्म में नहीं दिख रहे थे। मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के सर्वश्रेष्ठ बोलर माने जाते हैं, उनके 10 ओवरों में 74 रन आए। बात करें ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग की तो शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम के विस्फोटक बल्लेबाज माने जाने वाले डेविड वार्नर 84 गेंदों में केवल 56 रन ही बना पाए। स्टीवन स्मिथ और एलेक्स कैरी ने अर्धशतक बनाए। इस बड़ा सा लक्ष्य को चेस करने में कंगारुओं की टीम धीमे खेलती नजर आई। बात करें भारतीय गेंदबाजों की तो भारतीय गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह को 3 से 3 विकेटें मिली, वहीं युजवेंद्र चहल को 2 विकेट मिली। बात करें लेंथ की तो भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मुकाबले से काफी अच्छी लेंथ पाए गेंदबाजी की, वहीं जसप्रीत बुमराह ने डेथ ओवर्स में शतक की ओर कर डालकर एलेक्स कैरी को काफी परेशान किया। शिखर धवन, जिन्होंने टीम के लिए 117 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया।